तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन सर ये है कि अगर ये खतरा बढ़ता है तो ये माना जा रहा है कि चीन में बहुत डिमांड कम हो जाएगी क्रूड की, लोग गाड़ियां चलेंगे जाएंगे नहीं, मूवमेंट नहीं होगा लोगों का। आज भी कई शहरों में ट्रांसपोर्ट पर रोक लग गई है, तो मूवमेंट नहीं होगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो जो कंजम्पशन है क्रूड की, जो पेट्रोल की, वो कम हो जाएगी, उसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ेगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ये खतरा बढ़ता है तो कच्चे तेल के दाम और कम हो सकते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्रूड में करना क्या है, आज के लिए क्या ट्रेड करना है, ये हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपर फास्ट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की पांच खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर तो यही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बढ़ गई है, और ये लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है जब क्रूड के दाम नीचे आए हैं। 57 रुपए की तेज गिरावट इस वक्त MCX पर कच्चे तेल में दिख रही है, और 4000 के महत्वपूर्ण लेवल को क्रूड ने तोड़ दिया है। अब मार्केट 4000 के नीचे आ गया है। API की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 16 लाख बैरल बढ़ा है, इसका इम्पैक्ट तो है ही, और साथ ही कोरोना वायरस की जो चिंता बढ़ रही है उससे भी मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा है, और उससे भी दाम यहाँ पर कम हुए हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी आई है। MCX पर नेचुरल गैस 140% यहाँ पर 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त नेचुरल गैस में 2% तक की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। तेज़ गिरावट के बाद बाजार में एक रिकवरी का माहौल बना है। चांदी की बात करें तो 46,000 के नीचे MCX पर चांदी का भाव आ चुका है, और इस वक्त चांदी में 233 रुपये की गिरावट दिख रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव भी $1,555 के नीचे है। आज ECB की पॉलिसी पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। निकल की बात करें तो यहाँ पर गिरावट बढ़ गई है, और MCX पर निकल का भाव करीब करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। वायदा में भाव 1000 रुपये के करीब है, और LME पर निकल का स्टॉक 1590 मीट्रिक टन बढ़ा है। शंघाई निकल का स्टॉक 400 मीट्रिक टन बढ़ा है। कोरिएंडर एग्री में अगर हम देखें तो कोरिएंडर की कीमतों में कमजोरी है, दो दिनों में 3% से ज़्यादा दाम यहाँ पर गिरे हैं। अप्रैल का वायदा आज करीब 1.5% लुढ़का है, और NCDX पर भाव 6,750 रुपये के करीब है। गुजरात राजस्थान में बुआई बढ़ने से कीमतों पर दबाव है, एक्सपोर्ट मांग में भी कमी आई है। तो ये पांच खबरें इस वक्त की जहां पर एक्शन हो रहा है ये हमने आपको बताया है, लेकिन अब बात करेंगे पांच ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन है इंडिया निवेश के, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं, क्या गोल्ड का मार्केट अभी आपको और नीचे लग रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, गिरावट बढ़ेगी, क्या मान के चल रहे हैं आप? नमस्कार मृत्युंजय। सोना चांदी में हमने पिछले दो दिन से काफी साइडवेज जो है मूव देखे हैं, और ऊपरी स्तरों पर कीमतें जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। सप्ताह के दरमियान हमने 40,000 के ऊपर एक बार सोने की कीमतों को जाते हुए देखा था, लेकिन वहां फिर से एक बार बिकवाली देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में भी $1,560 के ऊपर जो है दबाव देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ी सी अगर बढ़त आती है 39,950 39,970 तो वो बिकवाली के लिहाज से आज इंट्राडे में अच्छे स्तर होंगे, और यहाँ पे नीचे में 39,770 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 1550 से $1,548 यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली की रणनीति में 40,088 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, क्रूड पर क्या व्यू है आपका, क्रूड में क्या किया जाए? बिल्कुल, कच्चे तेल में भी दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, और जिस तरह से जो इंटरनेशनल जो रिसर्च एजेंसीज है मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी रिपोर्ट निकल कर आ रही कि जो भी जो चाइनीज वायरस का खतरा है उसके चलते यहाँ पे कीमतों में दबाव रह सकता है। उसके साथ ही US की जो शेल ऑयल की प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है। तो हमारा मानना है कि कीमतों में दबाव भी रहेगा, लेकिन थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में जो है कीमतें दिख रही है, थोड़ा सा अगर उछाल आता है 4,020-4,033 तो वहां पे एक बार बिकवाली फिर से की जा सकती है। 3,950 के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं, 4,084 के यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक मुख्य चीज और कच्चे तेल में यह है मृत्युंजय की यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अगर $55 पर बैरल के नीचे होती है तो फिर यहाँ पे $2 से $3 की कमजोरी और जो है अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो $55 को जो है कल क्लोजिंग में एक बार वॉच करना चाहिए, उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे लगभग भारतीय बाजारों में 150 से 200 रुपए की गिरावट और देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस पर क्या व्यू होगा आपका, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में निचले स्तरों से थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला है, तो यहाँ पे
एक बाउंस बैक की उम्मीद है। उस लिहाज से मेरा मानना है कि कीमतें एक बार 142-143 के स्तर जो टेस्ट कर सकती है, 137 के स्तरों पर यहाँ खरीदारी करना चाहिए, 134 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 142 के लक्ष्य। ठीक है, कॉपर में क्या किया जाए? कॉपर में आपको लगता है कि अभी बिकवाली का मौका है? कॉपर में भी ऊपरी स्तरों से हमने इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार दबाव देखा है और कल कीमतें 2 वीक के निचले स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही थी। $6,200 पर मेट्रिक टन के जो सपोर्ट लेवल थे वो एलएमई रीच हुए हैं एक बार फिर से। कल हमने इन्वेंट्री में भी बढ़त देखी थी, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और चाइनीज जो डिमांड है उसको थोड़ा जो है इम्पेक्ट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 452.5 पे बिकवाली करें, 449 के लक्ष्य, 454.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, आरएम सीड में आपको लगता है कि अभी बेचकर चलना ठीक रहेगा और गिरावट बढ़ सकती है? यहाँ पे उत्पादन के रिकॉर्ड नंबर्स आने की संभावना जताई जा रही है, उसके चलते हमने दबाव देखा है। 4,270 के स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए, 4,200 तक के लक्ष्य के लिए 4,310 का एक स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे, तो अपने सवाल आप तैयार रखिए। नंबर आप एक बार नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है और जानना है कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, 0222300-1634 और 0222300-1635। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हमारे साथ प्रकाश जुड़े हैं राजस्थान से, पूछिए प्रकाश। मूंग में क्या कर रहे हैं सर? राजस्थान में मूंग है, राजस्थान से बहुत तेज चल रहे हैं। मूंग में क्या करना चाहिए? ओके, मूंग पर क्या व्यू है आपका मनोज जी? यहाँ पे ओवरऑल पल्सेस कॉम्प्लेक्स में जो है दबाव देखने को मिल रहा है मृत्युंजय, और अभी वर्तमान में कीमतें जो है लगभग 7,500 के आसपास ट्रेड कर रही है NCDEX पर, और आज भी यहाँ पे गिरावट है लगभग 3% की। जिस तरह से दालों में दबाव देखने को मिल रहा है, हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें एक बार फिर से 7,200-7,250 तक के स्तर दिखा सकते हैं, तो जो दबाव है वो बढ़ सकता है और यहाँ वर्तमान स्तरों से लगभग 200-250 रुपए की जो है गिरावट और देखने को मिल सकती है। ठीक है, संजय हैं हरियाणा से, पूछिए संजय। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। कॉटन सीड ऑयल केक पे सर, ये कितना ये जो नीचे में कहां तक जाएगा? अभी नीचे में कॉटन सीड ऑयल केक कहां तक जा सकता है? आज मार्केट करीब करीब 2% नीचे है 1982 के स्तर पर, कहां तक जाएगा भाव मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1950 रुपए का, उसको वॉच करना चाहिए, और अगर वो ब्रेक होता है तो मेरा मानना है कि दबाव जो है और बढ़ सकता है और फिर यहाँ पे 1900 रुपए से 1890 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो दबाव है वो जारी रहेगा और अगर यहाँ पे 1950 के नीचे कीमतें फिसलती है तो दबाव बढ़ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, तो आपको लगता है अभी गिरावट और यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके अलावा गोल्ड का मार्केट, आपको अभी आपने बताया कि गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, ये तो आज की बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए अगले 15-20 दिन महीने भर का आउटलुक रखा जाए तो क्या टारगेट होगा आपका गोल्ड पर? यहाँ पे निचले स्तरों पर कीमतें अगर 1535-1540 डॉलर के दायरे में इंटरनेशनल मार्केट में आती है और भारतीय बाजारों में 39,500 के अगर इस तरह आते हैं तो वहां फिर लोअर लेवल जो है बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे प्राइस थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड है और वॉल्यूम ऊपरी स्तरों पर काफी कम देखने को मिल रहा है। एक मुख्य चीज जो अगले सप्ताह में वॉच करने रहेगी वो ड्यूटी को लेकर के जो खबरें आ रही है कि यहाँ पे ड्यूटी अगर कम होती है तो फिर एक दबाव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 2% अगर कट आता है ड्यूटी में तो लगभग 600-700 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उस लिहाज से फिर यहाँ पे 39,000 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ करेक्शन आती है तो 39,000-39,500 के दायरे में फिर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, सुधीर हैं लखनऊ से, पूछिए सुधीर। मेरा सवाल ये है कि मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ और मैंने रुपए का 5 लाख का इंतजाम करके इसमें व्यापार करना चाहता हूँ, तो इसमें व्यापार बराबर चमकेगा कि चौपट होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये चलिए, 5 लाख रुपए आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनोज जी बताइए, गाढ़ी कमाई है इनकी, तो थोड़ा बताइए कि कहाँ पर कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
कैसे करना चाहिए या फिर अभी नहीं करना चाहिए, अगर जो भी आपको संभावना बन रही है वो जरा आप डिटेल में बताएं। ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे सोना चांदी में निचले स्तरों पर जो है इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख सकते हैं। सोने में अगर 39,000 के आसपास कीमतें आती है तो वहां खरीदारी की रणनीति करें, वहीं अगर चांदी की बात करें तो 45,000 के स्तर पर यहाँ खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक बन के यहाँ पे अगर काम करेंगे तो मुनाफा बनने की संभावना रहेगी। इंट्राडे में अगर हम व्यापार करने का नजर रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे लीवरेज मार्केट होने की वजह से जो है नुकसान होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो मेरा यही इनको सलाह रहेगी कि निवेश के नजरिए से यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। अगला सवाल है संजय का दिल्ली से, पूछिए संजय। सर मैंने क्रूड ऑयल 3974 पे सेल किया एक लॉट। 3974 पे आपने एक लॉट सेल किया है जी सुबह। ओके, क्या करना चाहिए मनोज जी इनको? यहाँ पे ओवरऑल जो है गिरावट की ही संभावना है। अगर यहाँ पे कीमतें 4030 4040 के आसपास आती है तो सेलिंग साइड में एवरेजिंग कर सकते हैं। 3950 पहला यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिलेगा और अगर उसके नीचे कीमतें फिसलती है तो फिर 3880 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, तो सेलिंग पोजिशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 4084 का यहाँ पे रखना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें।